अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ सैलेड दो तरह से, और ये दोनों ही बहुत ज़बरदस्त है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और नए आने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम सैलेड, जो कि दो मुख्तलिफ तरीकों से हम बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यहाँ पे एक अदद जो है बंद गोभी ले रही हूँ, और इसको जो है मैं तकरीबन एक कप के बराबर होगी, इसको मैं जो है लंबी लंबी स्लाइस में काट लूँगी। ये हम इससे कोल्सलो बनाएंगे, जो अक्सर बर्गर के साथ बहुत मज़े की लगती हैं। इसके अलावा आप सैलड के तौर पे आप किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत भी नहीं होती और बहुत जल्दी बन जाती है। देखिए इस तरह से मैंने ये देखे लंबा लंबा काट लिया है। बहुत इजी से आप चाहे तो मशीन की मदद से काट लें, हाथ की मदद से काट लें। अच्छा जी, मैंने तकरीबन 3 बड़े चाय के चम्मच मैंने मायनीज लिया है। इसमें मैं तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करूंगी एक एक करके। अच्छा जी, मैं तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है पिसी हुई चीनी ले रही हूँ। आप चाहे तो इससे ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो है अच्छा नहीं रहेगा। तो जी, क्योंकि मायनीज में भी चीनी मौजूद है, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा ये दूध डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब होगा। तो इससे क्या होगा कि ज़रा ये स्मूथ हो जाएगा, हमें फेंटने में आसानी होगी। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। अच्छा जी, ये अच्छे से हो चुका है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं ये हमारी काटी हुई बंद गोभी, कैबेज को डाल देते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये पहले थोड़ी डालूंगी, फिर बाद में थोड़ी सी, इस तरह से ही अच्छे से सब मिक्स हो जाएगी। बस 1 मिनट के अंदर ये सारी मिक्स हो जाएंगी बहुत अच्छे से। फिर आप इसको जो है आप जो टेबल पे किसी भी खाने के साथ आप रख सकते हैं, सैंडविच के साथ, बर्गर के साथ, जिस तरह से भी आप चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की लगती हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद है। ये देखें इस तरह से ये मिक्स कर लेनी है। बस जी, ये तैयार हो चुकी है। बस जी, इसे सैलेड प्लेट में निकाल लेते हैं। तो जी, हमारी मज़ेदार सी जो है कोल्सलो तैयार हो चुकी है। इसको बर्गर के साथ, सैंडविच के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब हम जो है अपनी नेक्स्ट जो है सैलेड वो बनाते हैं। मैंने एक गाजर लिया है, इसको मैं इस तरह से काट रही हूँ, छोटे छोटे पीसेस करने हैं, और जो है इतने भी वो नहीं करना, बारीक नहीं करना, इसलिए हाथ की ही मदद से हम इसको जो है छोटे करेंगे पीस। देखिए इस तरह से, बस कुछ नहीं, इसी तरह से हम आलू को भी करेंगे और गाजर को भी, ज़्यादा हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, गाजर के बाद हम आलू भी काट लेंगे इसी तरह से। आलू काटते हुए भी थोड़ा सा ख्याल रहे कि छोटे पीसेस हो, क्योंकि ये हम थोड़ा बॉईल करना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये कच्चे जो है रह जाएंगे अगर सिर्फ हमने गर्म पानी में डाला तो। हम इस तरह से करके हम बॉईल करेंगे, हम पहले साबुत आलू लेके बॉईल नहीं करेंगे, वरना क्या उसके बाद कटिंग में अच्छा नहीं लगता, वो स्क्वायर नहीं बन पाते। चलिए जी, आलू कट चुके हैं तो हम मटर को बॉईल कर लेते हैं। मैंने 1 कप में ये मटर डाल रही हूँ और इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। देखिए मटर अच्छी तरह से जो है गल चुके हैं, तो इसमें मैं आलू ऐड कर दूँगी। आलू जो है थोड़ा जल्दी हो जाते हैं और मटर ज़रा टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने ऐसे किया है। जी, हमारे अब आलू भी गल चुके हैं। 10 से 15 मिनट में ये दोनों चीज़ें गल चुकी हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर दूंगी और गाजर डाल दूंगी। गाजर हमारी जो एक ही स्टीम जो है इससे ये गल जाएंगे। बस इसको इस तरह से गर्म पानी में ही मिक्स करते जाना है, इससे ये अच्छे से हमारी जो है नरम हो जाएंगी गाजर, लेकिन बहुत नहीं होगी। चले जी, अब हम बाकी का काम शुरू करते हैं। मैंने जो है 4 चम्मच मायनीज लिया है, और इसमें भी जो है मैं थोड़े नमक, काली मिर्चें, थोड़ा सा दूध डाल के इनको फेंट लूँगी।
ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है हमको ताकि हमारे फेटने में हमें आसानी हो। थोड़ा नमक, काली मिर्च पीसी हुई और चीनी पीसी हुई, इन सबको जो है अच्छे से मिक्स करके फेंट लेना। अच्छा जी, चीनी मैंने इसमें जो है एक चाय का चम्मच डाला है पीसी हुई चीनी, तो जी वो मुझसे जो है शुद्ध रह गई है मेरी, तो आप डाल दीजिएगा। अच्छा, जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते वो भी जो है शौक से खाएंगे, क्योंकि ये बहुत मज़े की लगती हैं, इसे थोड़ा सा ठंडा कर दे तो और मज़े की लगती हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके इनको सबको शामिल करके मिक्स कर रही हूँ। देखिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ मटर है, गाजर है और आलू है। जी मज़ेदार सी हमारी दोनों सैलेड तैयार है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।